स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर अनदर प्रॉब्लम है, जिस तरह की पहले हमने इसको डिस्कस किया था कि ये एक्चुअली यहाँ पर अगर हम डायमेंशंस देखें तो एरिया पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, और उसके साथ लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। सो अगर उसी पर हम एक प्रॉब्लम अनदर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहें, देखें, अ मेटल रॉड इज़ ऑफ 8 मिलीमीटर डायमीटर। एक मेटल रॉड है जिसका जो सर्कुलर सेक्शन है उसका डायमीटर है 8 मिलीमीटर एंड 2 मीटर लॉन्ग, और इसकी टोटल लेंथ 2 मीटर है। Compute its resistance if the resistivity of the metal is 1.76 into 10 raised to the power minus 8 ohm meters। यहाँ पर हम let's इसको draw करते हैं। ये आप देखिए, ये उसका वो circular section है इस metal rod का। ये एक metal rod है u, ये दोनों इसके circular sections, ये इसकी total length। हम इसको show करते हैं, देखिए यहाँ से ये आ गया, ये इसकी लेंथ हो गई, और इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरियाज है वो हम इस कलर से शो कर रहे हैं। सो देखे, जो क्रॉस सेक्शन एरियाज है एक्चुअली वो सर्कुलर है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर इसकी सेंटर कंसिडर कर लें, सो यहाँ सेंटर से लेकर किसी भी तरफ आप ये ले लें, सो इसको हम रेडियस कहते हैं, और रेडियस को अगर हम डबल कर ले दूसरी साइड तक ले जाए फिर इसको हम डायमीटर कहते हैं। सो एक्चुअली हमें डायमीटर गिवन है, ये वाला लेंथ गिवन है एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक, लेकिन हम सेंटर से पास होंगे, ये इसमें कंडीशन है, तो इसको हम कहेंगे डायमीटर। अब डायमीटर जो है देखिए वो हमें गिवन है, इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा फॉर्म में लिखते हैं, जो चीज़ें हमें नॉन है उनको हम लिखते हैं डेटा फॉर्म में। ये है डेटा, डेटा इसकी गिवन है, फर्स्ट है डायमीटर, डायमीटर हम डी से डिनोट करते हैं, और वो है 8 मिलीमीटर्स। 8 मिलीमीटर्स इसकी जो लेंथ है वो हमें गिवन है 2 मीटर्स। इसी तरह रेजिस्टिविटी गिवन है, रेजिस्टिविटी रो उसकी वैल्यू गिवन है जो कि है 1.76 इंटू 10 रेज पावर -8 ओहम मीटर्स। हमने कैलकुलेट करना है इसकी रेजिस्टेंस, के रेजिस्टेंस कितनी है इस मेटल रॉड की। देखिए, इस पर हमने पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व भी किया था अगर आपको याद हो। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसका यहाँ पर लिखते हैं। कौन सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है वो है आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। देखिए, यहाँ पर एक्चुअली दो चीज़ जो हमारे पास जिन फैक्टर्स पर ये डिपेंड कर रहे हैं डायमेंशंस के ऊपर, वो है लेंथ। अगर लेंथ आप देखें तो वो रेजिस्टेंस के लिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यानी जितना लेंथ आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, और एरिया के लिए इनवर्स प्रोपोर्शनल है। एरिया आप इंक्रीज करेंगे सो ये डिक्रीज होगा, या ये आप डिक्रीज करेंगे सो वो इंक्रीज होगा। सो हमने एक्चुअली रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हम उनकी वैल्यूज पुट करते हैं, R इज इक्वल टू रो। अब देखिए, रो की वैल्यू हमें गिवन है, वो क्या है, 1.76 इंटू 10 रेज पावर -8, ये रो की वैल्यू। और L टोटल लेंथ वो भी गिवन है 2 मीटर्स है, उसकी वैल्यू पुट कर लें। अब यहाँ पर एरिया देखें, एक्चुअली हम इस क्रॉस सेक्शनल साइड की एरिया लेंगे, ये सर्कुलर फॉर्म सर्कुलर एरिया जो है। सो एक्चुअली जब हम किसी सर्कुलर पैटर्न का, किसी सर्कुलर प्लान का एरिया लेते हैं, सो हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। अब देखिए, यहाँ पर हमें डायमीटर गिवन है, लेकिन हम जानते हैं कि डायमीटर जो है वो रेडियस का ट्वाइस होता है, यानी डायमीटर इज एक्चुअली 2 आर, या हम यू लिख सकते हैं कि आर इज एक्चुअली इक्वल टू d/2। अगर हम डायमीटर को हाफ कर दें तो वो रेडियस के इक्वल होता है। सो यहाँ पर हम डायमीटर की हाफ वैल्यू कंसिडर करेंगे, चूंकि वो हम यहाँ पर रेडियस ले रहे हैं। आप डायरेक्टली रेडियस भी पुट कर सकते हैं, डायमीटर भी पुट कर सकते हैं, जस्ट डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर ले सो वो रेडियस बन जाएगा। ये वैल्यूज आपके पास आ रही हैं। अब देखिए, पाई की वैल्यू हम जानते हैं जो कि है 3.1416 इंटू रेडियस की वैल्यू क्या होगी। देखिए, डायमीटर हमें गिवन है 8 मिलीमीटर, और हम जानते हैं कि रेडियस इसका हाफ होता है, सो इट मींस कि इसको 2 पे डिवाइड कर लो, 8 मिलीमीटर को 2 पे डिवाइड कर लो, सो ये बन जाएगा 4 मिलीमीटर्स। एक्चुअली ये हमारे पास रेडियस आ जाएगा जब हम डायमीटर को हाफ कर लेते हैं, सो ये आ जाएगा 4 मिलीमीटर्स, 4
मिलीमीटर्स, लेकिन यहाँ पर देखिए आप स्क्वायर है, सो स्क्वायर लिख लें आप इसके ऊपर। अब देखिए बहुत सिंपल कैलकुलेशंस हैं, ऊपर वाले जो हैं वो फर्स्ट आप मल्टीप्लाई कर लें, 1.76, 1.76 मल्टीप्लाई बाय 2, इससे आ जाएगा 3.52, 3.52, ये दोनों हमने मल्टीप्लाई किए और 10^-8 वो उसी तरह आ जाएगा, यू 10^-8। अब देखिए नीचे हमारे पास दो क्वांटिटीज है, दो डिजिट्स हैं, दो नंबर्स हैं, सॉरी 3.1416 इंटू। अब अगर हम देखें ये मिलीमीटर में गिवन है, सो हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं और डायरेक्टली उसकी कैलकुलेशन भी करते हैं। तो जब हम जानते हैं कि 1 मीटर जो है, एक्चुअली 1 मीटर वो इक्वल होता है 1000 मिलीमीटर के, तो जब हम मीटर्स को कन्वर्ट मिलीमीटर्स को कन्वर्ट करते हैं मीटर्स में, सो वी डिवाइड इट बाय 1000 पीस को डिवाइड करेंगे, सो ये क्या बन जाएगा, 4/1000। जब हम इसको 1000 पे डिवाइड करते हैं फिर ये कन्वर्ट हो जाता है मीटर्स में। सो देखिए ये हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ गई ये 3.52, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.52 × 10^-8 डिवाइडेड बाय, इससे क्या आ जाएगा, ये तो अपनी जगह पर 3.1416 आ जाएगा, और जो नेक्स्ट हमारे पास है 4 को आप 1000 पे डिवाइड कर लेते, देखिए क्या आता है, 4/1000, 4/1000 इससे आ जाएगी ये, और चूंकि स्क्वायर है सो हम अगेन इसको इसी से मल्टीप्लाई कर ले इजीली, सो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। देखिए स्क्वायर इसका बनता है 0.00001 6, 0.00001 6, ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। हमने स्क्वायर भी लिया और 1000 पे डिवाइड भी कर दिया। अब देखिए इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें पाई की वैल्यू, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें फर्स्ट, देखते हैं कि इससे क्या आता है, मल्टीप्लाई बाय 3.1416, 3.1416 इससे आता है 0.00005026, 0000, ये आ जाएगा आर की वैल्यू हमारे पास 3.52 × 10^-8 डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.00005026 ये आ जाएगी। अब देखिए बहुत सिंपल है हमारे पास इक्वेशन, जस्ट इसको हम डिवाइड करेंगे इस डिजिट के ऊपर और 10^ इसके साथ फिर डील करेंगे किस तरह हम उसको करते हैं। देखिए ये आ जाएगी, फर्स्ट आप लिखे 3.52, 3.52 इसको डिवाइड करना है 0.00005026, 5026, 5026, 26, सो इससे आ जाएगा 70035, 70035, सो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, आर इज इक्वल टू 70035, इसके बाद देखिए क्या है, 70035, 70035 आ जाएगा 35, और 10^ देखे 10^-8 है, ये इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी ओमेगा में, ओमेगा इसकी यूनिट सिंबल है ओम की। अब अगर आप देखें जो इसकी हमारे पास पॉइंट है वो स्टैंडर्ड पोजीशन पर नहीं है, सो हम पॉइंट को स्टैंडर्ड पोजीशन पर लाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट एक्चुअली जब आपको पॉइंट नज़र नहीं आता इट मीन लास्ट में है प्रॉब्लम, पॉइंट यहाँ पर है, सो हम इसको 1 नॉन डिजिट के बाद लगाते हैं, सो यह आ जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसको ले जाएं 1, 2, 3 और ये 4, यानी 7.0 या फिर 7, 7 × 10^-8 ये है और 4 इसके साथ ऐड हो जाएगा, चूंकि हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं 4 ऐड हो जाएगा, सो ये -4 आ जाएगा, 7 × 10^-4 ओमेगा, ये इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी, यानी अगर आपको डायमेंशंस गिवन हो एरिया और लेंथ और रेजिस्टिविटी तो आप उसकी रेजिस्टेंस यूं कैलकुलेट कर सकते हैं।